नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है रक्त धातु के बारे में। उसके भी ये बड़े बड़े टॉपिक्स है, तो इसके लिए तीन भाग में ये बनाया है रक्त धातु, जिसको आयुर्वेद में आप तो जानते हैं कि जो दोष धातु मल कंसेप्ट है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा वीडियो मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करूंगा, ध्यान से सुनिए। ये आयुर्वेद जो है वो हमें उसके जो उपचार है, उसकी जो व्याधियां हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से जानना है। तो ये जान लीजिए कि पहले आप शारीरिक क्रिया, जिसको फिजियोलॉजी कह सकते हैं, आयुर्वेद फिजियोलॉजी अच्छी तरह से आपको समझनी चाहिए। उसके बाद आयुर्वेद का जो रोग निदान या विकृति विज्ञान बोलते हैं आयुर्वेदिक पैथोलॉजी, उसकी जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद ही आप आयुर्वेद चिकित्सा समग्र रूप से जान सकेंगे। तो ये आयुर्वेद में जो शारीरिक क्रिया है, क्रिया शारीर बोलते हैं उसको, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी बोलते हैं, तो उसका अलग एक नाम आपको पता होना चाहिए, दोष धातु मल विज्ञान। ध्यान से सुनिए, शारीरिक क्रिया या क्रिया शारीर का नाम क्या है? दोष धातु मल विज्ञान। विज्ञान का मतलब है साइंस। कौन सी बात करेंगे हम? हमारे शरीर के जो तीन महत्वपूर्ण घटक है जिनका नाम है, दोष है वात पित्त कफ, धातु है सप्त धातु से हमारा मानवीय देह बना है, जिसे हम रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र नाम से जानते हैं, और आखिर वाला जो है मल वेस्ट प्रोडक्ट। तो आज हम दूसरे जो धातु है शरीर में, दूसरे क्रमांक वाला जो धातु है रक्त धातु, जिसको हम ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं, उसका भाग एक में चर्चा करेंगे। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। संपर्क के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9226810630 फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन और पेड ऑनलाइन बीएमएस क्लासेस। तो ये जो वीडियो है वो क्रिया शारीर प्लेलिस्ट में मैं डाल रहा हूं। चालू कर देते हैं बात ये रक्त धातु की। आज के इस वीडियो में रक्त धातु की नाम निरुक्ति पर्याय के बारे में चर्चा होगी, रक्त धातु का स्थान कौन से रहता है, रक्त धातु का संगठन कैसा है, रक्त धातु के प्रकार है क्या, रक्त धातु का परिणमन मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसी होती है, और परिणमन काल और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए रक्त धातु बनने के लिए कितना टाइम लगता है। दिस इज द बीएमएस फर्स्ट ईयर लेक्चर, क्रिया शारीर लेक्चर इन हिंदी। ये देखिए, रक्त धातु कैसे है, जीवन प्रदान करने वाला रक्त धातु। जीवन, जीवन का मतलब है लाइफ। आप तो जानते हैं कभी कभार रोड एक्सीडेंट हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा खून बह जाता है, तो ज्यादा खून शरीर से निकलने के बाद दिस कैन बी ए फेटल कंडीशन, वो व्यक्ति मृत भी हो सकता है। तो रक्त खून की कमी ये बहुत सीरियस मैटर है। जैसे कि आप जानते हैं 5% से हीमोग्लोबिन कम हो गया तो कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। नॉर्मली हमारा हीमोग्लोबिन रहता है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो 12-14 ग्राम परसेंट होना चाहिए। वो रक्त धातु ब्लड टिश्यू जो है वो हमारे आयुर्वेद में रक्त धातु के पैरेलल कंसेप्ट है। रक्त धातु का कार्य बताया गया है जीवन जीवित रखना, जिसको हम ऑक्सीजनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किया जाता है। तो सृष्टि में जो प्राण है, जो हमारा शरीर जीवित रखने में काम आता है, वो है ऑक्सीजन। वो शरीर के पेशी तक, सेल्स तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, और हमारा शरीर जीवित रहता है। इसलिए रक्त का ये जीवित रखना, जीवन, ये श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, रक्तदान को जीवन दान भी कहा जाता है, और रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है। ब्लड डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। रस के समान, ये देखिए, रस रक्त हमेशा एक मिलाकर घूमते हैं पूरे शरीर में। रस के ये समान द्रव स्वरूप है, किंतु रस धातु का रंग, कलर आयुर्वेद ने श्वेत बताया है। रक्त द्रव है, फिलहाल उसका रंग कैसा है, लाल रंग का रक्त वर्णी। ये दोनों रस रक्त सर्व देह को व्याप्त करने वाला रक्त दूसरे क्रमांक का धातु है। रस की अपेक्षा, ये देखिए धीरे धीरे क्या होता है,
रस से रक्त के संस्कार बन जाते हैं, रक्त के बाद मांस धातु बनता है, मांस के बाद मेद धातु बनता है। तो धीरे धीरे उसके ऊपर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, एंजाइम के एक्शन से, अग्नि संस्कार है आयुर्वेद के हिसाब से, वो अधिक होने से एक के बाद एक धातु अधिक सारवान, बेटर क्वालिटी बॉडी टिश्यू, बेटर क्वालिटी बॉडी टिश्यू बन जाता है। तथा ये जो रक्त धातु है, प्राण द्रव्य जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है, कौन से है? अम्बर पीयूष मतलब ऑक्सीजन, अन्न फूड एंड जल दैट इज वाटर, शरीर को प्रदान करने वाला ये जो बाह्य प्राण द्रव्य है, वो शरीर में पहुंचाने वाले की दृष्टि से सातत्य से कंटिन्यूअस परिभ्रमित होने वाला, जन्म से लेकर मृत्यु तक सर्कुलेशन चालू रहता है, ब्लड सर्कुलेशन, ये महत्वपूर्ण धातु है। रस तथा रक्त दोनों धातु एक साथ ही समस्त शरीर में भ्रमण करते रहते हैं, इसीलिए आयुर्वेद में क्या कहा है, व्यानेन रस धातुर ही विक्षेपोचित कर्मणा, हमारा जो कार्डियक सर्कुलेशन होता है उसके लिए जिम्मेदार बायो एनर्जी कौन सी है, व्यान वायु। तथा यहां तो लिखा है रस धातु का विक्षेपण होता है, तो मन में शंका पैदा हो सकती है, इसीलिए उसके उत्तर में चक्रदत्त टीकाकार स्पष्ट रूप से कहते हैं, यहां देखिए, रस रूप धातु हु क्युमा रसतीति रसहा द्रव धातु हु उच्चते तेन रुधिर आदिनाम अपि द्रव्याणाम ग्रहणम भवति। तो इस रस धातु में रुधिर इत्यादि द्रव्य का भी समावेश है, रुधिर का मतलब है रक्त, ब्लड टिश्यू। तो ये बात क्लियर होगी कि यहां जब रस धातु लिखा गया है तो रस और रक्त मिलाकर इसका विक्षेपण हो जाता है। यद्यपि रस एवं रक्त का संवहन, सर्कुलेशन, परिभ्रमण एकत्रित स्वरूप से होता है, तथापि दोनों की, रस और रक्त की, स्वतंत्र रूप से अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। सप्त धातु सिद्धांत या आयुर्वेद का सिद्धांत है, सर्वतंत्र सम्मत सिद्धांत है आयुर्वेद का। इसके अनुसार रस ये आद्य अथवा प्रथम धातु है और रक्त ये रस के पश्चात निर्माण होने वाला द्वितीय क्रमांक का धातु है। तो मतलब अलग अलग है, घूमते तो एक साथ है, फिर रस अलग है और रक्त अलग है। रस धातु के उपधातु स्तन्य ब्रेस्ट मिल्क और रज मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, और रक्त धातु के उपधातु सिरा और कंडरा वेसल्स एंड टेंडन्स बताए गए हैं। रस का मल कफ है और रक्त का मल पित्त है। रस का प्रसाद अंश क्या है? इट्स अ रॉ प्रोडक्ट फॉर ब्लड फॉर्मेशन, रक्त पोषक अंश, न्यूट्रिएंट्स फॉर ब्लड। और रक्त का प्रसाद अंश मांस पोषक अंश है, मतलब रक्त के बाद कौन बनेगा, मांस धातु बनेगा, मसल टिश्यू। रस सौम्य धातु है, उसका कार्य श्रेष्ठ कर्म प्रीणन हाइड्रेशन है। रक्त अग्नेय होता है, उसका कार्य जीवन ऑक्सीजनेशन है। रस का वहन हृदय धमनियों के द्वारा और रक्त का वहन सिराओं के द्वारा होता है। जीवन प्रदान करने वाला रक्त धातु अन्न पान के द्वारा रस की वृद्धि अथवा रस का क्षय प्रथम होता है, रक्त का इमीडिएटली नहीं होता। रक्त दुष्टि होने पर रक्त विस्त्रावण मतलब ब्लड लेटिंग का उपदेश एडवाइस दिया है। रस विस्त्रावण ऐसा नहीं शब्द है, रक्त विस्त्रावण है। रक्त धातु का नाम निरुक्ति पर्याय के बारे में चर्चा चल हो गई है, निरुक्ति ये शब्द कैसा बना है, रज रंजने तेन रंजना रागवर्ण युक्त रागकृच्च धातु रक्तम इति अर्थो भवति। रक्तेन संयुक्तम शुक्ल वस्त्र वक्तवर्णो भवति इति अतः रक्तवर्णः रागकृच्च अयम धातु इति स्पष्टम एव। बार बार ये शब्द आता है, रस धातु के ऊपर कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होने से उसमें कलर चेंज हो जाता है, रजरंजने। मूल धातु रजरंजने द्वारा शरीर को हीमोग्लोबिन के द्वारा पिंक कलर कंजंक्टिवा रेड आपके जो नाखून हैं
आपका जो आई का अंदर का वाला पार्ट है, बल्बर कंजंक्टिवा, ये सब रेड कलर बताया गया है। क्यों? क्योंकि रेड कलर वाला ब्लड है, ये शरीर को वर्ण प्रदान करने की प्रक्रिया कलर फॉर्मेशन अंतर्भूत होती है। तो व्हेन द रस रक्त इज फॉर्म फ्रॉम द रस धातु, व्हेन देयर इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, देयर इज अ चेंज इन कलर एंड दैट कलर इज राग, मतलब रक्त वर्ण है। रजी धातु को कर्मणिक्त, ये संस्कृत है, आप भूल सकते हैं, प्रत्यय लगकर रज्जते इति रक्तम, ये दो शब्द ध्यान में रखिए, रज रंजने और रज्जते इति रक्तम, ऐसी इसकी निरुक्ति है। संक्षेपतः ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, फॉरगेट अबाउट द संस्कृत। स्वच्छ रंगहीन भाव पदार्थ जो रस धातु है, जब रंजित होता है, वेयर इट गेट्स कलर, अर्थात रंगयुक्त द्रव्य से मिश्रित होता है, तब रक्त शब्द का उपयोग किया जाता है। राग अथवा रक्त जो शब्द है वो पारंपरिक दृष्टि से लाल वर्ण, पिंक या रेड कलर को सूचित करता है। वर्ण दर्शाने वाले अन्य पर्याय, सिनोनिम्स, अलग अलग नाम है रक्त धातु को। पहला नाम दिया है शोणित, शोण संजातः अस्य इति शोणितम्। यद्यपि शोणित शब्द भी लाल वर्ण के किसी भी पदार्थ के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, किंतु उसका उपयोग, शोणित शब्द का प्रयोग प्रायः द्रव रक्त धातु है उसके लिए ही किया जाता है। अलग एक शब्द दिया है पर्याय नाम लोहितः, लोहा संजातः अस्य, जिसमें आयर्न लोह उपस्थित है वह लोहित है। आप तो जानते हैं, जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये एरिथ्रोपोएसिस की, एरिथ्रोसाइट्स की, तो आप जान सकते हैं कि उसमें एक पार्ट जो होता है वो आयरन का होता है, एक प्रोटीन का घटक होता है, पोरफायरिन रिंग्स होते हैं। तो उसमें डिटेल में मैं अभी नहीं जानने वाला चाहता हूँ, फिलहाल ये ध्यान में सुनिए कि रक्त धातु में लोह का समावेश है। तो जब खून की कमी होती है तो हम लोहा सव देते हैं। संस्कृत भाषा के अनुसार र और ल, यहाँ ल है ना, इन वर्गों में भेद नहीं होता, तो लोहित का मतलब रोहित भी हो गया। इसके अनुसार रोहित अथवा रोहिणी, ये भी रक्त वर्णवाचक शब्द है, विच इंडिकेट द रेड कलर। स्वरूप गुण कार्य स्पष्ट करने वाले अन्य जो नाम है रक्त धातु के, उसको पर्याय बोलते हैं आयुर्वेद में। एक है अस्त्रुक, अस्त्र मूल धातु क्या है संस्कृत के हिसाब से, अस्त्र। इसमें सृज विसर्गे धातु का अर्थ है त्याग, बहिक्षेपण, और अश्रुक का अर्थ होता है जिस घटक का, मतलब रक्त का, शरीर से बाहर त्याग नहीं किया जाता, जिसका रक्षण किया जाता है, ऐसा ये पदार्थ है। यू नो दैट व्हेनेवर देयर इज अ ब्लड लॉस देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग, फेटल कंडीशन, व्यक्ति मृत हो सकती है। साथ ही साथ असु, ये देखिए असु, असु क्षेपणे, इस अर्थ से जिसका, जिस घटक का, जिस ब्लड का, रक्त का नित्य विक्षेपण किया जाता है हमारे शरीर में, ऐसा घटक कौन है, रक्त धातु है। अलग पर्याय नाम रुधिरम, रुध्यते रुणद्धीवा, अर्थात जिस घटक को रोक लिया जाता है शरीर से बाहर निकलने से, अथवा जो घटक प्राण, हमारे शरीर का जो प्राण है उसको विनाश से रोकता है, बचाता है, वह घटक ये रक्त धातु है। अलग छठा हुआ क्षतज पर्याय नाम है क्षतज, क्षते क्षतात्वा जायते इति क्षतजम्, अर्थात शरीर में कहीं भी व्रण उत्पन्न होने पर उससे बाहर निकलने वाला जो घटक है उसको रक्त धातु या क्षतज बोला जाता है। अलग अलग पर्याय नाम, बहुत सारे पर्याय नाम है, इसका ऐसे क्यों आपको पूछा जा सकता है, रक्त धातु के पर्याय नाम लिखिए ऐसे क्यों, 5 मार्क का। प्राणद, रक्त का प्राणावलंबन, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना, आप तो जानते हैं कोरोना पैंडेमिक में यह बहुत महत्वपूर्ण था, जिन लोगों को एनीमिया था उनको यह तकलीफ ज्यादा होती थी, उसको कार्य सूचित करता है। जीव शोणितम, इस पर्याय के द्वारा रक्तम जीव इति स्थिति ही, यह कार्य सूचित होता है, रक्त इज लाइक योर लाइफ, जीव इति स्थिति। आग्नेय तेजो भव, रक्त का स्वरूप और पित्त के सहचर्य, ये दोनों ध्यान में सुनिए, ये पित्त बायो एनर्जी जो है, पित्त घटक जो है, दोष जो है,
वो रक्त के द्वारा कार्य करता है। तो पित्त और रक्त में आश्रय आश्रय संबंध आयुर्वेद ने कहा है। ध्यान से सुनिए, पित्त और रक्त का मिलजुल फिजियोलॉजिकल भी होता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, विकृति भी हो सकती है और प्राकृत भी वो दोनों रह सकते हैं। पित्त इज आश्रयी और रक्त आश्रय है। ध्यान से सुनिए, रसोद्भव रक्त धातु किससे उत्पन्न होता है? रस से पोषक अंश लेने वाला जो घटक है उसको हम रसोद्भव कहेंगे, रस के द्वारा उद्भव। और आगे चलकर मांसकारी धातु पोषण क्रम के अनुसार रसात रक्तम ततो मांसम, रक्त के बाद रक्त में किसके पोषक अंश है? रक्त में मांस के पोषक अंश है तो उसे मांसकारी कहा गया है। वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से ये वशिष्ठ नाम के ऋषि थे, संभवतः इन्होंने इस धातु के विषय में ज्यादा जानकारी दी होगी उस काल में, इसीलिए रक्त धातु का एक नाम वशिष्ठ भी है। अब इस स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। रक्त धातु का स्थान है कृत्स्न शरीर। कृत्स्न का मतलब है संपूर्ण शरीर, आपाद तल मस्तक, फ्रॉम हेड टू टो। व्यानेन रस धातुर ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वत्र अजस्त्रम देहे विक्षिप्यते सदा। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। इस श्लोक के अनुसार रस शब्द में रक्त आदि अन्य और द्रव घटकों का भी समावेश होता है। यह चक्रदत्त ने निम्न श्लोक में स्पष्ट किया है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार रस रक्त संवहन ये संज्ञा अधिक समर्पक है। क्या कहते हैं चक्रदत्त? रसरूपो धातु किंवा रसति इति रसो द्रव धातु उच्चते तेन रुधिर आदिनाम, आदि का मतलब एक्सेट्रा, अपि द्रव्याणाम ग्रहणम भवति। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 गृहिणी, चक्रदत्त टीकाकार। जो बाह्य सृष्टि में प्राण द्रव्य होते हैं, शरीर में लाइफ मेंटेन करने वाले, जो है ऑक्सीजन पीयूष अंबर पीयूष, एक शब्द है ये, अन्न फूड एंड जल वाटर, रक्त के द्वारा ही आभ्यंतर प्राणों तक पहुंचाए जाते हैं। अतः रक्त का संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण होता रहता है, अतः संपूर्ण शरीर यह रक्त का प्रमुख स्थान है। रक्त द्रव्य गतिशीलता के कारण सर्व देह व्यापी है, अतः संचरण में सहायक जो भी शोणित वह धमनीज होगी, आर्टरीज, रक्त व सीरा जो कैपिलरीज या वेसल्स रहेंगे, ये भी पूरे रक्त के स्थान है। सुश्रुत क्या कहते हैं? डिटेल्ड एनाटॉमी, तासाम तु ऊर्ध्वगानाम धमनीनाम वात पित्त कफ शोणित रसान द्वे द्वे वहस्तथा दश। उपरोक्त श्लोक के संदर्भ में ज्ञातव्य है, ये जानकारी है कि ऊर्ध्व अपवर्ड डिरेक्शन, अधहा डाउनवर्ड डिरेक्शन एंड तिर्यक, ये तीनों दिशाओं में जाने वाली जो धमनियां हैं के पश्चात जो उसकी शाखा उपशाखाएं हैं, कैपिलरी नेटवर्क है, संपूर्ण शरीर को रक्त प्रदान करती हैं। रक्त व सिरा त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती हैं। ये मृदु रचनाएं जो सॉफ्ट वेसल्स है रक्त मोक्षण तथा सिरावेद के लिए उपयुक्त होते हैं। सिराओं की उत्पत्ति रक्त धातु के सेकेंडरी टिश्यू उपधातु के स्वरूप में वर्णन किया गया है। रक्त धातु या कौन सा भी धातु जानते समय उसका स्थान में एक कभी भी मत भूलिए, हरेक धातु का अपना अपना स्रोतस है। रस का स्रोतस रस व स्रोतस, रक्त का स्रोतस रक्त व स्रोतस, मांस का स्रोतस मांस व स्रोतस इत्यादि। और इस स्रोतस में क्या मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सी है? रक्त की उत्पत्ति फॉर्मेशन, रक्त का परिणमन ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म, रक्त का वहन ट्रांसपोर्टेशन एंड रक्त का वेस्ट प्रोडक्ट जो निर्माण होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, वो वेस्ट प्रोडक्ट का मल द्रव्यों का उत्सर्जन, इन गतिविधियों के लिए रक्त व स्रोतस जिम्मेदार होता है। अतः रक्त धातु का परिभ्रमण संपूर्ण शरीर में होना अत्यावश्यक है। अतः रक्त व स्रोतस भी संपूर्ण शरीर में फैला हुआ होता है। रक्त व स्रोतस जो है उसके मूल स्थान है रक्त वहे द्वे तयोर्मूलम यकृत प्लीहानो रक्तवाहिनश्च धमन्याः सुषुर शारीर स्थान अध्ययनम्।
रक्त के चयापचय की दृष्टि से मेटाबॉलिक प्रोसेस, यकृत और प्लीहा ये कंट्रोलिंग ऑर्गन्स है, मूल स्थान महत्वपूर्ण है. फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड इन द फीटल लाइफ, एज यू नो यकृत में बन जाता है यकुन, और एडल्ट लाइफ में जब ये रक्त धातु का डिसइंटीग्रेशन चालू होता है, आरबीसीज का डिसइंटीग्रेशन होता है, वो प्लीहा में होता है. परिभ्रमण की दृष्टि से रक्तवाही धमनियां महत्वपूर्ण है, ब्लड वेसल्स. सगर्भावस्था में प्रेगनेंसी में रक्तोत्पत्ति, शेष आयु में रक्त निर्मिति के लिए सहायक, रक्त में निर्मित कुछ विष द्रव्यों का नाश, एंटीटॉक्सिक, इस दृष्टि से यकृत महत्वपूर्ण है. और जीर्ण या शीर्यमाण रक्त धातुओं के नाश की दृष्टि से स्प्लीन, प्लीहा यह महत्वपूर्ण है. स्त्रियों में तीन बहिर्मुख स्रोत अधिक बताए गए हैं, जैसे कि गर्भाशय अथवा योनि मार्ग को अधस्तात रक्तवहम माना गया है, तो ये भी स्थान आप ध्यान में रखिए. रक्त धरा कला, स्रोतस में रक्त के पोषक अंश जिस स्थान में प्राप्त किए जाते हैं वो आभ्यंतर अवतरण है, एंडोथेलियल लाइनिंग. रक्त निर्मिति की प्रक्रिया में ये इंटरनल जो लाइनिंग्स होते हैं, उसका बोन मैरो हो या लीवर हो, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसको एंडोथेलियल लाइनिंग या इनर लाइनिंग ऐसे हम कह सकते हैं रक्त धरा कला को. और एक बात है रक्ताशय, आशय का अर्थ है रिक्त स्थान. सप्त आशयों में से रक्ताशय में रक्त अधिक मात्रा में संचित होता है, जैसे हमारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है कोष्ठ में, यकृत, लीवर, प्लीहा, स्प्लीन, ये रक्ताशय है बताए गए हैं, और हृदय, हार्ट, फुफ्फुस, लंग्स और रक्तवाही नवनियां, ब्लड वेसल्स, ये भी उसी का रक्ताशय का हिस्सा है. इससे शारंगधर कहते हैं रक्त शुद्धिकरण कार्य फुफ्फुस के द्वारा होता है, अतः उरफ प्रदेश को जीव रक्ताशय कहना ज्यादा उचित होगा. रक्त के स्थान इस विषय के साथ रक्त प्राधान्य से निर्मित अवयव जो है हमारे शरीर में, उसका भी अध्ययन करना अति आवश्यक है. रक्त में विकृत होने पर उसके जो संबंधित निम्न स्थान अभी मैं बता रहा हूं उसमें विकृति निर्माण होने की संभावना होती है. शोणित जव यकृत विहानों, एम्ब्रियोनिक ऑर्गन डेवलपमेंट, लीवर और प्लीहा के निर्मिति में ब्लड का संबंध, शोणित मतलब ब्लड रक्त धातु, शोणित फेन प्रभवा फुफ्फुसः, फुफ्फुस की निर्मिति में भी शोणित का मतलब रक्त का संबंध है. शोणित किट प्रभवः उंडुकः, ये जो है ना ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से ध्यान से सुनिए, आपको लिखा बताया जाएगा शोणित फेन प्रभवा डैश 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 और पर्याय दिए जाएंगे यकृत प्लीहा उंडुक, तो आपको लिखना होगा फुफ्फुस. रक्त मेद प्रसादात वृक्कु एमसीक्यू, माउस अश्रु कफ मेद प्रसादात वृषणो, शोणित कफ प्रसादजम हृदयम, तो इसमें रक्त का भी संबंध है और कफ का भी संबंध है, ध्यान से सुनिए. कफ शोणित मांसानां सारो जिह्वा, अश्रुजः श्लेष्मणः प्रसादो अंतराणि इंटेस्टाइन्स गुद बस्ती. इसी प्रकार अण्वस्थि मतलब स्मॉल बोन्स के अंतर्भाग में स्थित जो सरक्त मेद, जिसको हम रेड बोन मैरो कह सकते हैं, वो भी रक्त धातु के निर्मिति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आपको लिखना पड़ेगा. अभी हम संगठन की बात करते हैं. सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन अर्थे या आयुर्वेद का सिद्धांत है. इस नियम के अनुसार पांचभौतिक हर एक घटक पृथ्वी तल पर जो भी ऑन और अर्थ, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मेड अप फ्रॉम फाइव बेसिक एलिमेंट्स, पांचभौतिक. और रक्त में तो हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि पांचभौतिक घटक के जो पांच गुण विशेष सुश्रुत ने बताए हैं. पांचभौतिकम तु अपरे जीव रक्तम आहुः आचार्यः, विस्तृता द्रवता रागः स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादीनां गुणा ही एते दृश्यन्ते अत्र शोणिते सुश्रुत सूत्रस्था. बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है. आपको ऐसे क्यों पूछा जाएगा रक्त धातु का पांचभौतिकत्व सिद्ध कीजिए, तो आपको ये श्लोक लिखना पड़ेगा. पृथ्वी के कारण, पृथ्वी महाभूत के कारण विस्तृता विशिष्ट रक्त गंध मिल सकता है, आप महाभूत के कारण उसमें
बहना जो है द्रवता लिक्विडिटी आ जाती है, तेज के कारण उसको रक्तवर्ण प्राप्त होता है, और उष्णता हीट मेटाबॉलिक प्रोसेस कंट्रोल करता है, वायु के कारण वो संवहन के दौरान अनुभूत स्पंदमानता पल्सेशंस बोलते हैं ना, पल्स रीडिंग, और आकाश के कारण लघुता ये रक्त धातु को प्राप्त होती है। पांचभौतिक संगठन होने पर भी व्यपदेशस्तु भूयसा न्याय के अनुसार जल अथवा तेज महाभूत का रक्त धातु में अधिक्य होता है। एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखिए। प्रकार के बारे में, पोषक और पोष्य, ये रक्त धातु के मुख्यतः दो प्रकार हैं। हर एक धातु के ये सेम है, ध्यान में रखिए। रस से लेकर रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, हर एक के दो प्रकार है। पोषक का मतलब है रॉ प्रोडक्ट एंड पोष्य का मतलब है फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट। रक्त प्रकार वर्गीकरण टोन क्लासिफिकेशन टू। रक्त के प्रकारों के कारण सुश्रुत तथा वाग्भट संदर्भों का विचार करना आवश्यक है। वाग्भट ने चार प्रकार के रक्त का चतुर्विध सीरा से वहन होता है ऐसे कहा है। हमारे खुद के मन के अनुसार रक्त का केवल एक ही प्रकार होता है, किंतु वातादि दोषों का रक्त के द्वारा होने वाला जो कार्य है वो स्पष्ट होने के लिए ये कंसेप्ट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। वात शोणित रक्त, वात वह सिराओं से बहने वाला जो रक्त है वो क्या कार्य करता है, अमोहम बुद्धि कर्मणाम, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटेलिजेंस विदाउट एनी कंफ्यूजन, अमोहम प्रस्पंदनम पल्सेशंस पूर्ण आदि कार्य करने वाला यह रक्त धातु है। ये सब कार्य रक्त धातु के। पित्त शोणित रक्त के द्वारा कौन सी कार्य होती है, राजिष्णुता कलर एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, अग्निदीपन डाइजेस्टिव स्टिमुलेशन बेजर मेटाबॉलिक रेट कह सकते हैं, ये कार्य रक्त के द्वारा होते हैं। कफ शोणित रक्त सर्वांग में स्नेह संधि स्थैर्य बल ये प्रदान करने का कार्य रक्त के द्वारा होता है। एक और सुश्रुताचार्य कहते हैं कि वात शोणित पित्त शोणित कफ शोणित एवं शुद्ध रक्त, इस प्रत्येक के वहन के लिए स्वतंत्र सिराएं होती हैं। तो दूसरी और एक मत प्रदर्शित करते हैं कि सर्वाहा सर्ववाहा स्मृताहा, अर्थात ये ज्यादा ग्राह्य है, हमारे खुद के हिसाब से भी ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात प्रत्येक सिरा से चारों प्रकार के रक्त का वहन होता है और यही विचार अधिक उचित लगता है। रक्त के जो चार प्रकार अभी कहे हैं उसके अधिकतर कर्म की दृष्टि से ये वर्गीकरण है, ऐसा आप समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए परिणमन कैसा होता है, त्रिधा परिणमन कहा जाता है। ये देखिए 1, 2 and 3 रक्त पोषक अंश न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट कहाँ आते हैं, रक्त व स्रोत में आ जाते हैं, उधर रक्ताग्नि की प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा स्थायी पोष्य रक्त स्टेबल प्रोडक्ट, उपधातु सेकेंडरी टिश्यूज सीरा और कंडरा, मांस का पोषक अंश और मल में स्थूल मल और सूक्ष्म मल। स्थूल मल का नाम है पित्त, सूक्ष्म मल का नाम है क्लेद। रक्त निर्मित में रक्त पोषक अंश ये उपादान कारण मतलब अत्यावश्यक कारण है और उस पर रक्ताग्नि की प्रक्रिया ये निमित्त कारण है। त्रिधा परिणमन किस प्रकार होता है, रक्ताग्नि को ही रंजक पित्त ये संज्ञा दी जाती है। रस का रंजकत्व करने का कार्य कहाँ होता है, स खलु आप्यो रसः यकृत् प्लीहानो प्राप्य रागम उपैति सुश्रुत सूत्रस्थान। रस का श्वेत वर्ण बदलकर, रस का रक्त वर्ण है श्वेत, विविध स्तरों में रक्त वर्ण किस प्रकार प्राप्त होता है, तो सुश्रुत सूत्रस्थान में ये कलर चेंज मेटाबॉलिक प्रोसेस डिटेल दी है। रसः सप्ताहात् अर्वात् 7 days परिवर्तमानः श्वेत कपोत हरित हरिद्र पद्म किंशुक आलक्त रस प्रख्याचयम यथाक्रमम दिवस परिवर्तमानः आपद्यमानः पित्तोष्म उपरागात शोणितत्वम आपद्यते। ये देखिए ये शिवदास टीका है, इसमें डिटेल दिया हुआ है। आप्य वर्णहीन स्वच्छ द्रव स्वरूप रस धातु जो है उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया बनकर आग्नेय एवं रक्तवर्ण युक्त रक्त धातु की उत्पत्ति कैसे होती है, ये देखिए चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 तेजो रसानाम सर्वेषां मनुजानाम यदुच्यते पित्तोष्मणः सलागेन रसो रक्तत्वं रिच्छति।
रंजक पित्त का स्थान या कृत्या, ये तो सर्वसम्मत है, किंतु वाग्भट कहते हैं कि आमाशयाश्रम पित्तम रंजकम रसरंजना अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 12, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे तो ये आंसर दे देते हैं यकृत्या, कोई ये नहीं बताता कि आयुर्वेद ने रक्त धातु की निर्मित में आमाशय का उल्लेख किस लिए किया है। तो अभी का जो विज्ञान है मॉडर्न फिजियोलॉजी, उसके अनुसार यह हमें स्पष्ट होता है कि आमाशय का संबंध रक्त धातु निर्मित में इनडायरेक्टली अप्रत्यक्षता जरूर है। अर्वाचीन विज्ञान के अनुसार इंट्रिंसिक फैक्टर इन द स्टमक इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब प्रोटीन है एक प्रकार का, इसेंशियल फॉर B12 एब्सॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। आहार रस ग्रहणी से हृदय में जाने के पश्चात रस का रक्त में रूपांतर होता है, ऐसा उल्लेख शारंगधर ने किया है। रसस्तु हृदयम याति समान मरुतेरिता रंजिता पचिस्तत्र पित्तेन आयाति रक्ताम शारंगधर पूर्वखंड। रक्त निर्मित में सरक्त मेद का मतलब बोन मैरो का संदर्भ, जब विकृत पित्त मज्जा में स्थान संचय करता है तब वैवर्ण्य रक्तवर्णहीनता मतलब पांडु आदि उत्पन्न होते हैं, अर्थात मज्जा धातु में प्राकृत पित्त होने पर सम्यक रक्तोत्पत्ति होती है। रक्त धलाकला इनर लाइनिंग एंडोथेलियल लाइनिंग संपूर्ण शरीर में उपस्थित होती है, तथापि यकृत प्लीहा और अस्थि मज्जा जिसका आयुर्वेद ने सरक्तमेद ऐसा उल्लेख किया है, इन स्थानों में विशेषतः होती है रक्त धलाकला। परिणमन काल कितना टाइम लगता है रक्त धातु बनने के लिए, संतत्या भोज्य धातु नाम परिवृत्तिस्तु चक्रवत। सुश्रुत कहते हैं कि फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, दिस इज अ कंटिन्यूअस विदाउट स्टॉप प्रोसेस। संतत्या भोज्य धातु नाम चय और अपचय एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म ये अखंडित चलने वाली प्रक्रिया है। रक्त पोषण का प्रारंभ दूसरे दिन से और अंत पांचवें दिन से होता होगा। चरक के अनुसार रक्त निर्मित के लिए 2 दिन और सुश्रुत के अनुसार 5 दिन लगते हैं, इसका स्पष्टीकरण यहां पर मैंने दिया है। इसीलिए रक्त वृद्धिकारक औषधि हिमेटिनिक्स जो बोलते हैं, हाँ हमारा खून बढ़ने वाली जो दवा होती है लोहा से होता है या कैप्सूल ऑट्रीन होती है, इस औषधि योजना प्रारंभ करने पर कम से कम 5 से 7 दिन के पश्चात ही हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था रक्त धातु के बारे में भाग 1, जिसमें हमने आज हिंदी भाषा में नाम अनुरूपति पर्याय स्थान संगठन स्वरूप धातु प्रकार परिणमन परिणमन काल इसका पूरे डिटेल में इजी एक्सप्लेनेशन दे दिया है। दिस इज द बेस्ट लेक्चर फॉर BAMS फर्स्ट ईयर और क्रियाशारीर लेक्चर। भाग 2 आप जरूर देखिए, उसमें हम चर्चा करेंगे रक्त धातु के गुण, रक्त धातु का प्रमाण और रक्त धातु के कार्य। भाग 3 भी भूलना नहीं है, क्योंकि उसमें रक्त धातु सारता, रक्त धातु की उपधातु, रक्त धातु के मल और रक्त धातु की वृद्धि क्षय के बारे में चर्चा की जाएगी। तो मैं आपको सर को विनंती करता हूं कि आप ये वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।